हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। पॉलीनोमियल्स का हम आगे का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम स्टडी करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल्स के बारे में, जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल्स का मतलब क्या है। तो टॉपिक है हमारा सबसे पहला आज का वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल्स। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल का मीनिंग क्या हुआ सबसे पहले तो ये देखिए। अगर मान लो आपको कहा जाए कि fx सपोज आपका 3x plus 5 है, ठीक है, fx मान लिया आपका 3x plus 5 है, ठीक, तो fx एक पॉलीनोमियल है। अगर आपसे कहा जाए कि f3 की वैल्यू क्या होगी, तो f3 का मतलब क्या हुआ, f3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 5, यही ना, x की जगह 3 रख देते हो। तो ऐसे में हमारे पास f3 की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, 14 के बराबर। यही वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल है। क्या था कि अगर आपका पॉलीनोमियल इतना है, कुछ पॉलीनोमियल का एक्सप्रेशन दिया गया है, तो बस अब वहां पे x की जगह कोई वैल्यू पुट कर दें और वैल्यू कैलकुलेट कर लें कि हमारे पास फाइनल आउटकम कितना आएगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 14। ठीक है, सिमिलरली f ऑफ माइनस 3 की बात करते हैं हम, तो 3 इंटू माइनस 3 हो जाता प्लस 5, तो आउटकम वुड हैव बीन माइनस 4। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक पॉलीनोमियल px दिया हुआ है, तो हम x की जगह अगर अल्फा पुट कर दें तो हमें जो आउटकम मिलेगा दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक है, तो इस चीज को आप चाहो तो लिख भी सकते हो, अदरवाइज समझने की ही बात है मेनली कि वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा इज पी अल्फा। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल पी एक्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा इज कॉल्ड पी अल्फा। ठीक है, ये आपका वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब वैल्यू निकालने के लिए हमने कहा कि जैसे मान लीजिए ये एक्सप्रेशन था, तो आपका f3 सिंपली फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ और भी रहता, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कहें कि मान लो px आपका दिया हुआ है माइनस 3x³ प्लस 7x² माइनस 8x प्लस 3। तो यहाँ पे भी अगर मान लो कहे कि p एट माइनस 4 निकालो, तो निकाल लोगे, माइनस 3 इंटू एक्स की जगह माइनस 4 ही तो रखना है यार, इतना तो हर कोई कर सकता है, माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू माइनस 4 प्लस 3। अब सही कैलकुलेशन करके निकाल लें तो हमारे पास माइनस 64 इंटू माइनस 3, मतलब हमारा आ गया ये 192। ठीक है, 16 प्लस इंटू 7 मतलब 112, और प्लस आ गया 32 और प्लस आ गया 3, है ना, तो 304 और ये 35 मतलब 339, ये आपका इसकी वैल्यू हो जाएगी एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। ओके, कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं। अच्छा, आगे के एग्जांपल्स लेने के पहले अगर आप एक चीज और थोड़ी सी समझ सके तो आपके लिए मतलब जिंदगी काफी आसान होने वाली है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एक बार ट्राई कीजिए इसको भी समझने का। ठीक है, थोड़ा सा रिवर्स जाना है हमें, है ना, इसी चीज को हमें समझना है लेकिन रिवर्स मैनर में। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि 339 आ गया आपका, है ना, पी एट माइनस 4, तो ये कैलकुलेट कर लें। लेकिन अगर मान लो ऐसी सिचुएशन रहती कि ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और आपको ये समझना है कि ये एक्सप्रेशन इससे कैसे कोरिलेट होगा। ठीक है, देखो जैसे कि हमने कहा कि अगर मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है कि आपका एक पॉलीनोमियल है पी एक्स, जो कि ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, स्पेसिफिकली मैं इस केसेस की बात कर रहा हूं जब आपके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट्स नहीं होंगे, मतलब ऐसे होंगे ए बी सी टाइप के। ठीक है, ऐसे केसेस में आपके लिए काम आएगा ये समझना कि अगर किसी एक्सप्रेशन में ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है ना, अगर किसी एक्सप्रेशन में a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो इसको हम समझ पाए कि दिस इज आवर p1। ठीक है, यहां से इधर पहुंचना है आपको।
P1 तो A plus B plus C होगा, वो तो आप कर लोगे, लेकिन आपको ये समझना है कि A plus B plus C अगर लिखा हुआ है तो that is basically P1, ठीक है। अब यहां पे तो चलिए बहुत आसानी से आपने समझ लिया होगा कि अगर A plus B plus C लिखा है तो this can be correlated with P1, ठीक है। A minus B plus C लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर से हमने कहा कि चलो x square की जगह A का coefficient 1 है, x की जगह पे बी का कोफिशियंट -1 है और सी तो सी है ही। अब ये बात हल्के में लेने वाली नहीं है, सी तो सी है ही। आपके जब जिंदगी में कठिनाई आएगी तो यही सी काम आएगा आपके, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, अभी तक तो बहुत आसानी आसानी से चल रही है चीजें कि ए प्लस बी प्लस सी अगर लिखा हुआ है तो हमने बोल दिया कि चलो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पे 1, मतलब एक के साथ में यहाँ एक्स स्क्वायर था यहाँ पे 1 है, बी के साथ में एक्स था यहाँ पे 1 है, इसका मतलब एक्स क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। यहाँ पे हमने कह दिया कि ए के साथ एक्स स्क्वायर था यहाँ 1, बी के साथ एक्स था यहाँ -1 और सी तो सी है, तो इसका मतलब हमने कह दिया कि एक्स हमारा -1 है और इसलिए अपन इसको इधर पहुंचा दिए कि पी एट -1 ये लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब अगर मान लो यहीं पे ऐसा भी रहता तब भी आप आसानी से कर लेते 9a-3b+c, तो भी आप इसको कोरिलेट कर सकते थे कि x स्क्वायर की जगह आपका 9 आ गया, x की जगह -3 आ गया और c है ही, तो आपने इसको कर दिया कि चलो ये भी क्या होगा आपका -3 के p ऑफ -3 के बराबर होगा। लेकिन अब अगर मान लीजिए आपके पास सिचुएशन आ जाए 9a+6b+4c, अब क्या करेंगे, अब इसको कोफिशियंट आपने कंपेयर किए मान लीजिए तो एक्स स्क्वायर आपका 9 है, x आपका 6 है, बात ही नहीं बन रही है। तो यहां पे हमने कहा था कि ऐसे केसेस में ये जो c वाला रोल है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करो, ये टर्म हमारे पास हमें बनानी थी, है ना। जब मैं x की कोई वैल्यू रखूंगा तो बदलेगा क्या, a का कोफिशियंट बदलता रहेगा, b का कोफिशियंट बदलता रहेगा, ये थोड़ी ना बदलेगा, c को थोड़ी ना बदलना है, बात समझ में आ रही है। px अगर आपका x square plus bx plus c है तो अगर आपने x की वैल्यूज रखी तो x की वैल्यूज रखने पे आपके पास ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म्स बदल सकती हैं, लेकिन ये टर्म बदलने की तो कोई चांसेस नहीं है क्योंकि x की वैल्यू का उस पर कोई इंपैक्ट ही नहीं है c पे। तो अब आप देखिए कि ये 9a+6b+4c कैसे जनरेट हो सकता है, भाई x ने तो बदला किसे होगा, x ने बदला होगा a का कोफिशियंट, b का कोफिशियंट, लेकिन ये कैसे c से 4c हो गया। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जब आपको यहां पे दोनों में डिफरेंस दिखाई दे, ठीक है, जब इन दोनों में डिफरेंस दिखाई दे तो आपको क्या करना चाहिए कि पहले तो इसको कॉन्स्टेंट्स को सेम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कॉन्स्टेंट्स को सेम करने की कोशिश करनी चाहिए। यहां 4c है, यहां पे c है, तो 4c से c बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपन कह सकते हैं कि अब कॉमन लेकर के आपको बनाना है सेम, मतलब अगर आप 4c है यहां पे c है, अगर आप 4 को कॉमन ले लें, ये नहीं कि 4c-3c, उससे नहीं कोई फायदा है, 4c में से 4 को कॉमन ले लें, तो अगर आप 4 को कॉमन ले लेते हो तो आपके पास दोनों के कांस्टेंट टर्म सेम हो जाएंगे। तो यहां आपने 4 लिखा, यहां आपका 9a/4 प्लस आपके पास आ गया 6b/4 प्लस आपके पास आ गया c, ठीक है। अब जरा देखो, अब कोफिशियंट्स कंपेयर करो तो अब आपका c सेम हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था जब जिंदगी में थोड़ा टफ आएगा क्वेश्चन तो ऐसे केसेस में आपके पास यही कांस्टेंट टर्म आपके काम की रहेगी, ठीक है। तो c का c सेम हो गया। अब हमने कहा x की जगह आपका 6/4 कहें या 3/2 कहें वो आ गया है और x स्क्वायर की जगह आपका 9/4 आ गया है, तो अब हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 3/2 है। दिस थिंग कैन बी रिटन एज p एट 3/2, ये इतनी चीज, ठीक है। दिस थिंग कैन बी रिटन एज p एट 3/2, तो दिस इज बेसिकली 4 × p/3/2, ये आपका एक्सप्रेशन इसके बराबर हो गया। तो सबसे पहले क्या टारगेट रखना चाहिए कि ये जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं, जो कांस्टेंट सी हैं, वो दोनों सेम हो जाएं। जब वो दोनों सेम हो जाएं, तब जाकर के हम कोफिशियंट सेम करना शुरू करें। जैसे कि थोड़ा सा और भी देखिए, मान लीजिए कि पीएक्स आपका ऐसा कुछ रहता, एक्स स्क्वायर
प्लस टू बी एक्स प्लस थ्री सी, ऐसा मान लीजिए दिया हुआ है ना। अब ऐसे केसेस में भी आपके पास अलग अलग एक्सप्रेशन, अब जब अब यहां पे सी बनाने की जरूरत नहीं है, पी एक्स अगर आपका ये दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हाँ आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि 4a प्लस 12b प्लस 27c ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो अब आपको फिर से क्या करना है, पहले तो इन दोनों को सेम करना है, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे हम, 27 से क्या कॉमन निकालेंगे, 3 बन जाए 9 है ना। तो इसको हमने कहा कि ये 9 अगर हम इसको बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 4a बाई 9 प्लस 4b बाई 3 प्लस 3c। अब आपका सबसे पहला काम हो गया कि आपके दोनों कॉन्स्टेंट सेम हो गए। जब एक बार कॉन्स्टेंट सेम हो गए तो अब आप कोफिशियंट्स कंपेयर कर सकते हो। आपने कह दिया कि एक्स स्क्वायर आपका 4 बाई 9 के बराबर हो जाए और 2b आपका 2x आपका, ठीक है, यहां पे b का कोफिशियंट 2x है, नीचे 4 बाई 3 है, तो यहां से हमें पता चल गया कि x इक्वल टू 2 बाई 3 इसको भी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब x इक्वल टू 2 बाई 3 रखने से हमारे पास ये वैल्यू जनरेट होगी। तो हमने कहा कि दिस थिंग कैन बी रिटन एज 9 इंटू पी एट 2 बाई 3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। अब इसमें से ही ये तो हमने वैल्यूज को लिखने का तरीका समझ लिया कि वैल्यूज क्या है, और उल्टा वाला भी अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर उतनी चीज आपको समझ में आई है उसको आगे हम बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं, जब स्पेशली जेई वगैरह के लिए हम आईआईटी के लिए हम जब प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उस टाइम पे उसका काफ़ी यूज आने वाला है उस चीज़ का, ठीक है। इवन आपके लेवल पे भी जो ओलंपियाड के क्वेश्चंस होते हैं कुछ उनमें भी इनका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो खैर अभी तो खैर हम ओलंपियाड लेवल के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ इनको इनमें जो ऐसे क्वेश्चंस कई सारे होंगे जो कि आपको प्री आरएमओ वगैरह में हेल्प कर जाएं, ठीक है। लेकिन जो थोड़े हायर लेवल पर अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपके लिए ओलंपियाड के लिए अलग से कुछ चीज़ों की स्टडी करनी होती है, क्वेश्चंस का लेवल डिफरेंट रखना होता है। ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप 2 घंटे में, है ना, 1.5 घंटे में 2 घंटे में आप 4 क्वेश्चंस केवल सॉल्व कर रहे होगे तो ऑब्वियसली उस क्वेश्चंस का लेवल तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा ही होगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी वहाँ पे पढ़नी होती हैं थ्योरी के लिए, तो ओलंपियाड की नहीं बट एनटीएससी लेवल तक के लिए अभी हम अगर देखें तो हमने कहा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स तक की बात हमने कर ली है। और अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि आप पी अल्फा निकालना शुरू किया, ठीक है, पी एक्स पॉलिनोमियल था, एक्स इक्वल टू अल्फा पे आपने वैल्यू निकालनी शुरू करी, मतलब पी ऑफ अल्फा आपने निकालना शुरू किया। तो जब आप पी ऑफ अल्फा निकालना शुरू करते हो पता चलता है पी ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, क्या हुआ, पी ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। तो अगर पी ऑफ अल्फा आपका 0 आ गया तो इस बात का क्या सिग्निफिकेंस है, पी ऑफ अल्फा 0 आने का मतलब हो गया कि हमारा जो अल्फा था वो क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या स्टेटमेंट हुआ, ठीक है, इफ एट एक्स इक्वल टू अल्फा पी अल्फा इज इक्वल टू 0 देन अल्फा इज कॉल्ड 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू अल्फा आपका पी अल्फा अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब कि अल्फा को हम क्या बोलेंगे, 0 ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, अल्फा नहीं है ये, है ना, पी एक्स। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई एक पॉलिनोमियल था, सपोज पी एक्स को हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, ये आपने पॉलिनोमियल ले लिया। अब हमने कहा कि अगर मैं पी ऑफ 2 निकालने जाऊंगा तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0 के बराबर आ जाएगी, है कि नहीं है। पी टू आपका कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो अगर आपका पी टू 0 के बराबर होता है, है ना, पी टू आपका अगर 0 के बराबर होता है तो दिस 2 इज कॉल्ड 0 ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। तो हम क्या बोलेंगे, इस 2 को 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल,
ठीक है, पॉलिनोमियल पी एक्स, ऐसा स्टेटमेंट देंगे कि x इक्वल टू टू रखने से हमारे पास वैल्यू निकल करके जीरो आ रही है। तो ऐसी वैल्यूज जिन x की ऐसी वैल्यूज जिनको रखने से इस पी एक्स का आउटकम, पी एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर आने लगे, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अगर आप पी वन भी निकालते हो तो पी वन की वैल्यू कितनी होगी, वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस टू, और ये वैल्यू भी जीरो के बराबर होगी, है ना। पी वन इज इक्वल टू वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस टू, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे वन इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, ये भी आपका क्या है, पी एक्स का एक पॉलिनोमियल, सॉरी पी एक्स का एक जीरो है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के लिए हमने देखा कि दो जीरोस मिले आपको, वन और टू। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अब इसी को आप कह सकते हैं कि एक तरीके से रूट्स भी होते हैं ये। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए कि पी एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो के सोल्यूशंस क्या होंगे, तो वो भी आपके यही निकल करके आएंगे, टू और वन, जिनको हमने जीरोज ऑफ पी एक्स बोला है। क्या बोला है हमने, जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो पी एक्स आपका गिवन है, पी एक्स से हमने कहा कि पी वन और पी टू जीरो आते हैं, सो वन एंड टू आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, एक क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस के, ठीक है, हैज वन ऑफ इट्स जीरोस, हैज वन ऑफ इट्स जीरोस एट एक्स इक्वल टू टू, फाइंड के। क्या कहा हमने कि x इक्वल टू टू एक जीरो है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो क्या है, x इक्वल टू टू पे है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हो कि अगर x इक्वल टू टू पे, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जीरो एट x इक्वल टू टू कहने का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू जब हम टू रखते होंगे तो ये आउटकम कितना आता होगा, जीरो के बराबर आता होगा। तो हमने ये कहा कि P2 हमारा क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो x इक्वल टू टू आपने अगर पुट किया तो क्या बनेगा, टू क्यू माइनस थ्री इंटू टू स्क्वायर प्लस सेवन इंटू टू प्लस के, लिख सकता हूं। सो दिस इज एट माइनस ट्वेल्व माइनस फोर प्लस फोर्टीन टेन, और ये k, मतलब ये मिलके कितना हो गया, k प्लस टेन हो गया। आपको यही कहा जा रहा है कि आपको k की ऐसी वैल्यू चाहिए सो दैट पी टू बिकम जीरो, और P2 जीरो होने का मतलब हुआ कि K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी माइनस टेन के बराबर आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें इसका एक जीरो x इक्वल टू टू पे चाहिए तो हमने कहा कि इसके लिए वैल्यू कितनी होगी, K की माइनस टेन होगी। ठीक है, फिर मान लीजिए आपसे कहा जाए ऐसी तरीके से कि पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस सेवन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए एक्स प्लस बी हैज जीरोज एट एक्स इक्वल टू वन एंड टू, फाइंड ए एंड बी। ठीक है, ऐसे में आपको ए और बी फाइंड आउट करना है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पे हम कह सकते हैं कि हमें पी वन भी जीरो चाहिए और पी टू भी जीरो चाहिए। तो अगर आपको पी वन जीरो चाहिए तो पी वन का मतलब होगा वन माइनस सेवन प्लस ए प्लस बी, ये आपको जीरो चाहिए, और पी टू का मतलब होगा एट माइनस ट्वेंटी एट प्लस टू ए प्लस बी, ये भी आपको जीरो चाहिए। ठीक है, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिक्स के बराबर। तो यहां से हमने कह दिया कि ए प्लस बी का आउटकम सिक्स होगा, और यहां से 2a प्लस बी की वैल्यू कितनी बता दें हम, 20, है ना, तो 2a प्लस बी आपका 20 होगा। तो ये आपकी दो इक्वेशंस हो गई, अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है आपको, सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड में से आपने फर्स्ट को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो b b कैंसिल, यहाँ a बचेगा इज इक्वल टू 14, और a इक्वल टू 14 आपने रख दिया फर्स्ट इक्वेशन में, तो 14 प्लस बी इज इक्वल टू 6, सो b इज इक्वल टू माइनस 8। इसका मतलब a की वैल्यू आपकी 14 और b की वैल्यू -8 होगी। ठीक है,
आपको कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप उससे सॉल्व कीजिए, x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल वॉलिनोमियल तो नहीं कहेंगे, बट फिर भी उसी तरीके से सॉल्व करना है, वैल्यू निकालनी है, तो आप प्रोसीड कीजिए इसको, ठीक। मैं सोल्यूशन इसका स्टार्ट करता हूँ और पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ देखिए x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 दिया हुआ है, तो अपन चाहे तो पुट कर दें डायरेक्टली, तो हमने यहाँ पे रख दिया 2y प्लस 6 का होल क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy की जगह पे हमने डाल दिया, चलो x की जगह 2y प्लस 6 और इंटू वाई माइनस 260, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, तो 8y क्यूब a प्लस b का होल क्यूब करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3ab का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 6, 6 इंटू 2 है ना, मतलब 3 इंटू 6 18 इंटू 2 36y इंटू 2y प्लस 6, और माइनस यहाँ पे है आपका 8y क्यूब माइनस 36y 2y प्लस 6 और माइनस 216। तो आप देख सकते हो ये पूरी टर्म कैंसिल, ये पूरी टर्म कैंसिल, और यहां से वैल्यू आ गई 0 के बराबर, ठीक है। तो ये भी वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर है, लेकिन अब यहां पे इसको हमको जीरोस वगैरह नहीं कह सकते, क्योंकि पॉलिनोमियल आपका क्या होता है, एक सिंगल वेरिएबल में होता है, यहां x और y दोनों की टर्म्स है, ठीक है। और ये क्या है कि एक वैल्यू पुट करने से आ रहा है, हाँ ये अगर हम कहें कि ये x में एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो y हमारा एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, ऐसे केस में हमारा मतलब क्या होगा कि अगर हम इसको x में पॉलिनोमियल कहना चाहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि x क्यूब माइनस 36y इंटू एक्स और साथ में माइनस 8y क्यूब माइनस 216। अगर मैं y को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करूं देन दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x, ठीक है। y अगर हम कॉन्स्टेंट के तरीके से ट्रीट करें, ठीक है, तो ये हम ऐसे बना करके कह सकते हैं कि हाँ ये एक x में क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ना। ऐसे ही चाहो तो y में भी पॉलिनोमियल इसको क्रिएट कर सकते हो, y में आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस 8y क्यूब, ठीक है, सबसे बड़ी y की पावर, फिर माइनस 36x इंटू वाई बाहर कर दो और फिर आपके साथ बचेगा x क्यूब माइनस 216। दिस वे इट इज अ पॉलिनोमियल इन y, ठीक है, जिसकी डिग्री कितनी है, 3 के बराबर है। तो यहां पे हमने क्या किया, जो y है उसको बाहर बाहर रखा और कोफिशियंट्स में हमने x को क्लब कर दिया, तो हमारा x कांस्टेंट के तरीके से अगर बिहेव करता है तो दिस इज कांस्टेंट टर्म, दिस वन इज कोफिशियंट ऑफ y, दैट इज माइनस 36x एंड लीडिंग कोफिशियंट इज माइनस 8, ठीक है ये बात। तो ये आपका वैल्यूज निकालने की बात रही, वैल्यूज निकालने के बाद नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम आपका कंप्लीटली जीरो से ही कोरिलेटेड है, बिल्कुल जीरो से कोरिलेटेड। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास हमने कहा कि x माइनस टू, सॉरी, अगर किसी पॉलिनोमियल का एक जीरो टू है तो इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस टू मस्ट बी अ फैक्टर। भाई यही होता है ना कि जैसे 3x माइनस, सॉरी, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, उसके आप फैक्टर्स निकालते हो, उसके रूट्स निकालते हो, क्या आते हैं, 1 और 2 आते हैं, है ना। तो जब आप पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 2 निकालते हो कितनी मिलती है, वो 0 के बराबर। पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हो एट 1 तो वो कितनी मिलती है, 0 के बराबर, ऐसा ही है। तो अगर हम कहें कि फैक्टर थ्योरम क्या स्टेट करता है, तो फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट हुआ कि इफ अल्फा इज अ जीरो ऑफ px, if alpha is a zero of px then x minus alpha must be a factor of px। क्या बोल रहा हूं मैं, पहले लिख लेता हूं, if alpha is a zero of px, ठीक है, of polynomial px then x minus alpha is a factor of, x minus alpha is a factor of px, ठीक है। अगर अल्फा आपका जीरो था तो x माइनस अल्फा px का फैक्टर होगा। जैसे हमने कहा कि px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2,
इसकी बात जब हम कर रहे थे तो हमने कहा था कि P1 इसका 0 के बराबर है, P2 कितना आता है 0 के बराबर है, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम क्या स्टेट करता है, अगर P1 जीरो आता है तो x माइनस वन, भाई अल्फा यहां पे कितना हो गया 1 हो गया, तो x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, तो हम बोलेंगे x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। और वहीं पे हम यहां पे बोलेंगे x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो इसके दो आपके जीरोस बन गए, x माइनस वन और x माइनस टू, ठीक है। इतनी बात। क्यूबिक के लिए भी इसी तरीके से होगा, क्यूबिक के लिए भी हम एग्जांपल के तौर पे कहें, ठीक है। अगर आप देखो px आपका मान लीजिए x क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स है, तो अब जैसे क्वाड्रेटिक में तो फिर भी आपके पास रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूले होते हैं, आप फैक्टराइज करना जानते हो, आपके पास वो मेथड होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका क्वाड्रेटिक के लिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, क्या करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू रूट्स निकालने के लिए, अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक के लिए फॉर्मूला होता है, क्यूबिक के लिए आपने कोई फॉर्मूला नहीं देखा होगा, है ना। ये भी हो सकता है कई लोगों को ना मालूम हो, बट क्वाड्रेटिक के लिए ऐसा फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर है, जहां ये एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, एक्स का कोफिशियंट बी और कॉन्स्टेंट टर्म सी, तो x की वैल्यूज जो होंगी यहां से दोनों रूट्स आपके निकल करके आएंगे, कहां से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए से। वहीं अगर क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक के बारे में हमें बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्यूबिक के बारे में एक्चुअली हमारा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। तुम्हें पता भी चलेगा इसके बारे में, कुछ रूल्स वगैरह होंगे अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए, लेकिन वो भी आपको कब पता चलेंगे, जब आप ग्रेजुएशन के ईयर्स में होंगे, ठीक है, मतलब बी टेक करते हुए ट्वेल्थ में भी आपको इस क्यूबिक की कोई रूट निकालने का मेथड आपको डायरेक्टली नहीं पता चलेगा। मेथड यही है इसका, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल कहने का मतलब क्या है कि आप यहां पे जीरोस खोजने की कोशिश करते रहो। हिट एंड ट्रायल का मतलब भी क्या है कि आप जीरोस खोजने की कोशिश करते रहो बस, ठीक है। कोई मेथड इसका इन जनरल एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका ट्वेल्थ क्लास तक की जो आपकी स्टडी है वहां तक, ठीक। वहां पे भी मेथड आपका यही है कि आप डायरेक्टली इसके देखते जाओ कि क्या कोई, मतलब हिट एंड ट्रायल एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करो और देखो कि क्या ये जीरो आता है, मतलब तुम्हें जीरोस खोजने हैं, क्योंकि अगर एक बार तुमने जीरोस खोज लिए तो ये स्टेटमेंट क्या कहेगी, ये स्टेटमेंट कहेगी कि चलो अल्फा मुझे मिल गया एक जीरो, इसका मतलब कि उसके फैक्टर्स बाकी, सॉरी उसका एक फैक्टर एक्स माइनस अल्फा रहा होगा। तो आपने क्या करना है, और मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है, मैक्सिमम टाइम इस तरीके के फैक्टराइजेशन या फिर रूट्स निकालने के लिए क्या होगा कि आपका जो एक रूट होगा ना वो वन हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, वन माइनस वन, टू माइनस टू, ठीक है, इतने तक ही रहता है, इससे ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं दी जाती हैं। तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि ये, अगर मान लीजिए आपको फैक्टर निकालना ही है, आपको रूट निकालना ही है, तो आप चेक करिए कि क्या वन इसका एक फैक्टर है, मतलब वन क्या जीरोज है, ठीक है, क्या टू से जीरो बनता है, ये माइनस वन से बनता है, माइनस टू से बनता है, इन वैल्यूज को चेक करिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनमें से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन पक्का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर देखें यहां पे, तो आपके पास अगर इसकी मैं बात करूं तो यहां पे मुझे पता चलता है कि अगर मैं P1 निकालता हूं, P1, ठीक है, तो P1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस सिक्स प्लस 11 माइनस सिक्स, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था आपको कि जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो ऐसे ही होंगे कि 1, 2, माइनस 1, माइनस 2 में से कोई एक रूट तो पक्का हो ही हो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अगर उसमें रूट निकालना है तो, अगर उसमें फैक्टर्स निकालने हैं तो, ठीक है। अब क्वेश्चन ही ना हो फैक्टर निकालने का, हम जबरदस्ती निकालना है तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर ठीक। तो P1 जो है जीरो वैल्यू देगा, तो P1 अगर जीरो दे रहा है इसका मतलब वन इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल, एंड दैट मींस कि x माइनस वन मस्ट बी अ फैक्टर, x माइनस वन इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। इतनी बात। अब
एक तरीका ये हो सकता है कि अगर x माइनस वन मेरा एक फैक्टर है तो उससे मैं इसको डिवाइड कर दूं और बाकी के टर्म्स जो होंगे मेरे पास क्वाड्रेटिक बचेंगे। भाई x माइनस वन से अगर इसको डिवाइड करूंगा तो बाकी की चीजें हमें कैसी मिलेंगी? क्यूबिक को एक x माइनस वन से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा कोशेंट क्या बचेगा? कोशेंट तुम्हारा बचेगा एक क्वाड्रेटिक, ठीक है, और उसके रूट्स तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हम चूंकि फैक्टर थ्योरम स्टेट कर रहे हैं तो अभी पहले इसको समझते हैं। हमने कहा यहां पे कि p1 की वैल्यू जीरो होगी, इसलिए x माइनस वन हमारा एक फैक्टर होगा। फिर हमने कहा कि p2 की वैल्यू के बारे में बात करें तो p2 की वैल्यू कितनी आएगी? p2 की वैल्यू आपके पास होगी 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। अब यहां पे अगर आप देखें तो यह भी आपका जीरो के बराबर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? एक फैक्टर आपका x माइनस टू भी होगा। और फिर आप अगर p3 भी चेक कर लो तो p3 की वैल्यू भी जीरो आएगी, और दिस विल सजेस्ट कि x माइनस थ्री इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है, ये भी आपका एक फैक्टर है। तो हमारे पास क्या पता चला कि इसके तीन फैक्टर्स हमें मिल गए, x माइनस वन, x माइनस टू और x माइनस थ्री, ये तीनों ही इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। इतनी बात तो आप चेक भी कर सकते हो, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करके देखो, ये टर्म आपकी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम क्या स्टेट कर रहा है, ठीक है, इसको हम समझेंगे और भी मेथड से, दूसरे वाले से जो मैं कह रहा था कि x माइनस वन से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, वैसे भी समझेंगे। लेकिन अभी हम चूंकि फैक्टर थ्योरम को स्टडी कर रहे थे तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा कि p1, p2 और p3 तीनों जीरो हो रहे हैं और इसलिए इसका एक फैक्टर x माइनस वन, एक x माइनस टू और एक x माइनस थ्री, तीनों ही इसके फैक्टर्स होंगे। अब कुछ ऐसी जगहों पे भी इस फैक्टर थ्योरम का आप यूज समझ सकते हो, जैसे मान लो कि आपको पता होता है कि एक्स क्यूब माइनस y क्यूब है ना, इसके फैक्टर आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो एक फैक्टर इसका x माइनस वाई होगा, लिखते हो ना, a क्यूब माइनस b क्यूब का फैक्टराइजेशन करते हो। तो आपको एक चीज यहां पे ये भी समझ में आ सकती है कि x जो ये वाला फैक्टर है ना, ये एक तरीके से जीरोस काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है, जीरोस की जैसी चीज है। तो x माइनस वाई क्यों हुआ? क्योंकि x इज इक्वल टू y अगर मैं पुट कर दूं, मतलब मैं ऐसे कहूं जैसे y मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, मेरा एक तरीके से y कांस्टेंट है, तो अगर मेरा y कांस्टेंट है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर मैं y को कांस्टेंट ट्रीट करता हूं, जीरो मत लिखो, तो x माइनस अल्फा में अल्फा की जगह एक तरीके से y हुआ। और फिर मैं कहूंगा कि ये एक पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस y क्यूब, क्योंकि y को तो मैं एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहा हूं ना, तो मैंने कहा कि चलो ये तो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ना, x में थर्ड डिग्री का एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है मेरा, है ना, y इज एज गुड एज लैम्डा या फिर a, है ना। तो हमने कहा कि अगर हम p ऑफ y निकालेंगे तो p ऑफ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो के बराबर हो जाएगी। इसलिए हमने कहा कि बिकॉज y वॉज वन ऑफ द जीरोस फॉर दिस पॉलिनोमियल, सो वी कैन कंसीडर कि x माइनस y इसका एक फैक्टर होगा। सेम वे अगर आप देखो x क्यूब माइनस एट वाई क्यूब है मान लो, ठीक है, तो अब आपको पता होता है इसका एक फैक्टर x माइनस टू वाई आएगा ही आएगा, होगा ना, a क्यूब माइनस b क्यूब से, तो x माइनस टू वाई इसका एक फैक्टर होगा। बट अपन कहें कि अगर x इज इक्वल टू टू वाई हम पुट करते हैं और इसको हम कंसीडर करते हैं पॉलिनोमियल इन x, तो जो जीरोस है हमारे x इक्वल टू टू वाई अगर मैंने पुट किया तो दिस विल क्रिएट एट वाई क्यूब माइनस एट वाई क्यूब और वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी? जीरो के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने, मतलब टू वाई इज बेसिकली वर्किंग एज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो एक टू वाई हमारा जीरो के तरीके से बिहेव कर रहा था, इसलिए x माइनस टू वाई हमारा एक फैक्टर है। आई गेस इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। हमने क्या कहा कि हम y को एज अ कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, तो दिस इज एज गुड एज x क्यूब माइनस 8 a क्यूब। और फिर हमने कहा कि अगर x को 2y रख दें तो हमने देखा कि p ऑफ 2y की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाती है। इसका मतलब कि x टू वाई इज वन ऑफ द जीरोस, सो x माइनस 2y मस्ट बी अ फैक्टर, ठीक है, x माइनस 2y हमारा एक फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। अब
आप चाहो तो इसी को आप ऐसे भी कह सकते हो कि चलो आपने x में पॉलिनोमियल लिखा, मैं y में लिख लेता हूं, तो लिख लो कोई दिक्कत नहीं। p ऑफ y, y के टर्म्स में अगर इसी का पॉलिनोमियल लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस 8y क्यूब, ठीक है, लीडिंग कोफिशियंट माइनस 8, डिग्री 3, और प्लस आपका कुछ कॉन्स्टेंट है ये x क्यूब, बिकॉज x, नाउ x क्यूब इज बेसिकली वर्किंग एज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें तो अगर मैं x बाई 2 रख देता हूं, y की जगह पे x बाई 2 रख देता हूं, तो आई विल गेट माइनस 8 x बाई 2 होल क्यूब प्लस x क्यूब, और वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 0 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसके लिए x बाई 2 इज बेसिकली वर्किंग एज, x बाई 2 कैसा बिहेव कर रहा है आपका, जीरोस के तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो अगर x बाई 2 आपका वन ऑफ द जीरोस है, तो दैट मींस कि y माइनस x बाई 2 मस्ट बी अ फैक्टर, बोल सकता हूं क्या मैं ये? जैसे हमने अभी बोला कि x माइनस 2y, चूंकि 2y वाज वर्किंग एज अ जीरो, सो x माइनस 2y इज अ फैक्टर, तो वैसे ही x बाई 2 इज वर्किंग एज अ जीरो, सो y माइनस x बाई 2 मस्ट बी अ फैक्टर, ठीक है। अब y माइनस x बाई 2 लिखे, चाहे इसी को हमने ऐसे कर दिया 2y माइनस x बाई 2, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 2y माइनस x लिखें चाहे x माइनस 2y लिखें, फैक्टर तो ये होगा ही होगा, है ना। डिवीजन में 2 लिखने से तो कोई दिक्कत नहीं आती ना भाई, अगर x क्यूब है, अगर वो x स्क्वायर से डिविजिबल है तो वो x स्क्वायर बाई 2 से भी डिविजिबल होता ही होता है ना, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा कि ये वाली टर्म से ये वाली टर्म आपकी कैसी होगी, डिविजिबल होगी, ठीक है। तो ये भी आपका एक तरीके से फैक्टर थ्योरम का ही एक एप्लीकेशन काइंड ऑफ थिंग है, जो कि हमें जिसमें कॉन्स्टेंट्स नहीं दिख रहे बट हम मान ले रहे हैं अपनी ओर से। कभी हमने x में पॉलिनोमियल कंसीडर करते हुए y को कॉन्स्टेंट मान लिया, कभी हमने y में पॉलिनोमियल कंसीडर करते हुए x को कॉन्स्टेंट क्रिएट कर लिया है। अब एक तरीके से हम देखें तो हम पॉलिनोमियल के सबसे मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे जा रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रिमाइंडर थ्योरम को स्टेट करने के पहले मैं एक मतलब आज के लेक्चर में तो हम शायद सिर्फ इसके स्टेटमेंट्स तक ही पहुंच पाएंगे, ठीक है, ज्यादा डिटेल में और क्वेश्चंस वगैरह इसको बाद में ही स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट रिमाइंडर थ्योरम को स्टेट करने के पहले मैं एक दो चीजें और भी आपको बताना चाहूं। सबसे पहले तो अगर मान लो एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आपके पास जो उसकी डिग्री आती है रिमाइंडर की, वो कैसी डिग्री होगी, सबसे पहले तो आप इसके बारे में सोचिए। अगर मैंने मान लीजिए कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैंने, या फिर हाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसको मैंने डिवाइड किया किसी लीनियर पॉलिनोमियल से, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 है, ठीक है, तो आपके पास रिमाइंडर कैसा आ सकता है, रिमाइंडर आपके पास कैसा आएगा, ऐसा रिमाइंडर आपके पास आएगा जिसकी जो कि कांस्टेंट भाई, क्योंकि जब तक डिवाइड करते हुए रिमाइंडर में आपका पावर 1 भी बचा हुआ है, अगर उसकी डिग्री 1 बची हुई है तब तक तो आप डिवाइड करते ही जाओगे ना, लगातार आप उसको डिवाइड करते ही जाओगे। जैसे आप 8 से 50 से मतलब किसी चीज को डिवाइड करते हो तो आपके पास जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, डिवाइजर से कम आता है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल के टाइम पे इसी चीज का ऐसा एप्लीकेशन हो जाएगा कि अगर हम कहें कि अगर हम पॉलिनोमियल में हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, तो हमारे पास जो रिमाइंडर की डिग्री होगी, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की है, हो सकता है कि अभी इस लेवल पे आपको कम यूज आए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और काफी जगहों पे कैलकुलेशन में काफी काम करेगी। रिमाइंडर थ्योरम में भी हम जब अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अच्छे क्वेश्चन लेंगे, तो वहां पर भी ये काफी काम का होगा। क्या कि जो अगर हमने एक डिवाइजर से पॉलिनोमियल किसी दूसरे डिविडेंड को मतलब डिवाइड किया, ठीक है, हमने एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया अगर, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो एक पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री कितनी होगी, जिसकी डिग्री आपके डिवाइजर के डिवाइजर की डिग्री से, डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से हमेशा कम होगी। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से हमेशा कम होगी, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि इफ, सबसे पहले तो ये रिमाइंडर थ्योरम नहीं है बट फिर भी अलग से एक पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक,
इफ डिवाइजर इज ऑफ डिग्री एन, ठीक है, इफ डिवाइजर इज ऑफ डिग्री एन, देन अगर डिवाइजर की आपके पास डिग्री एन है, देन पॉलिनोमियल, सॉरी, देन रिमाइंडर कैन हैव इट्स डिग्री एज एन माइनस वन एट मैक्स. मैक्सिमम डिग्री उसकी जो हो सकती है वो एन माइनस वन हो सकती है, ठीक है. अब ऐसा भी हो सकता है भाई कि मान लो तुमने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को, तुमने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से, ठीक है. तो अब ऐसे में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, रिमाइंडर वन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, डिवाइड करके देख सकते हो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, वन के बराबर आएगा. लेकिन अब अगर रिमाइंडर वन आएगा तो ऐसा हमने हमने भी स्टेटमेंट क्या दिया कि भाई एट मैक्स जो डिग्री हो सकती है रिमाइंडर की, अगर हम किसी एक nth डिग्री n इक्वल टू टू से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे nth डिग्री पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा डिवाइजर की डिग्री टू है, तो हमने कहा कि हमारा जो रिमाइंडर है उसकी मैक्सिमम डिग्री वन हो सकती है, मैक्सिमम डिग्री वन हो सकती है. हो सकता है वो कट जाए, कट जाएगा तो जीरो पॉलिनोमियल आ जाएगा, उसकी डिग्री नहीं डिफाइंड है तो उसके तो बारे में कोई डिस्कशन करना ही नहीं, ठीक है. हो सकता है जीरो आ जाए रिमाइंडर, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन जो भी रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री जो होगी वो एट मैक्स एन माइनस वन हो सकती है. एग्जैक्ट एन माइनस वन कोई नहीं कह रहा, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि ये गलत डिवीजन हो गया अगर यहां रिमाइंडर बनाया, क्योंकि इस फॉर्म मतलब एन माइनस वन की वैल्यू तो वन है ना. डिवाइजर मेरा ये था, डिवाइजर ये था, और डिवाइजर में अगर हम कहें कि n इक्वल टू टू, डिवाइजर में हम बोल रहे हैं कि n इक्वल टू टू है, तो n माइनस वन की वैल्यू कितनी होगी, वन के बराबर होगी. तो हमने यही कहा है, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री n माइनस वन होगी, नहीं, हमने ये बोला कि जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री मैक्सिमम n माइनस वन हो सकती है, ठीक है. ऐसा नहीं होगा कि हम इससे किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हों, हम इस नंबर इस पॉलिनोमियल से किसी दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हों और हमारे पास जो डिग्री है वो एन या फिर एन से ऊपर, टू या टू से ऊपर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तब तक तो डिवीजन लगातार चलता ही रहेगा ना लगातार. तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एन माइनस, हमें कहना यह है कि अगर हमने इससे डिवाइड किया तो दुनिया के किसी भी पॉलिनोमियल को अगर तुम इससे डिवाइड करते हो तो तुम्हारे पास जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री एट मैक्स वन हो सकती है, वन या वन से कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन वन से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है. अब इसका बेनिफिट क्या है ये समझिएगा आप, ठीक है. अगर आपको डिवीजन इसका आता है तो आप इतनी बात समझ रहे होंगे जो अभी तक मैंने कहा कि रिमाइंडर आपका जो भी डिग्री होगा रिमाइंडर का, वो डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से कम ही होगा, डिवाइजर की डिग्री से कम ही होगा, यही कहा जा रहा है. एट मैक्स एन माइनस वन हो सकता है, डिवाइजर की डिग्री अगर एन है तो रिमाइंडर की डिग्री एट मैक्स एन माइनस वन हो सकती है, ठीक है, इतनी बात. अब देखिए, अब इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि x की पावर 100 व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस वन, x माइनस वन से आपने इसको डिवाइड किया, ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं x स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड किया, तो अब आपको अगर कहा जाए कि रिमाइंडर क्या होगा, तो एग्जैक्ट अगर आपको रिमाइंडर नहीं मालूम है अभी, आपको एज्यूम करना पड़ रहा है, ठीक है. अभी हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तो हो सकता है आप वो भी कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से. तो जरूरी नहीं है कि हम अगर रिमाइंडर हम निकालने जाएं तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमें पहले इससे इसको डिवाइड करना पड़े, डिवाइड करते जाएं और फिर आंसर तक पहुंचे. हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से भी पहुंच सकते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमने ये कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस वन से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वन हो सकती है. ये देखो, इससे नहीं मतलब है, डिवाइजर से मतलब था ना हमें, डिवाइजर की डिग्री कितनी है, टू है, डिवाइजर की डिग्री टू है, तो डिवाइजर की डिग्री अगर टू है तो रिमाइंडर की एटमैक्स कितनी हो सकती है, वन हो सकती है,
ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि यहां पे अगर हमें कहा जाए कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रिमाइंडर कैन हैव इट्स डिग्री एट मैक्स वन, रिमाइंडर कैन हैव इट्स डिग्री डिग्री वन, है ना, एट मैक्स, मैक्सिमम डिग्री इसकी कितनी हो सकती है, रिमाइंडर की वन हो सकती है, ठीक है। तो अब होगा क्या इससे कि आपके पास, आपको पता होता है वो बेसिक चीज कि अगर आपका डिविडेंड है कुछ, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है आपका बेसिक, बिल्कुल ठीक है। तो डिविडेंड आपका क्या है, यहां पे x की पावर 100 है, लिख दीजिए। डिवाइजर आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन है, कोशेंट आपको नहीं मालूम, रख दिया आपने। अब रिमाइंडर के बारे में आपको क्या पता चल गया कि रिमाइंडर की डिग्री मैक्सिमम वन हो सकती है। इसका मतलब कि रिमाइंडर जो होगा वो आपका कैसा होगा, क्वाड्रेटिक होगा नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ये बात आपकी क्लियर हो गई है, ठीक है। लीनियर होगा या फिर उससे भी कम हो जाए, मतलब रिमाइंडर के लिए हमें अगर एज्यूम करना पड़े तो रिमाइंडर हम सिर्फ ए एक्स प्लस बी टाइप का कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो एक बार को कांस्टेंट भी आना होगा रिमाइंडर, ठीक है, जीरो डिग्री का भी आना होगा, तो ए की वैल्यू जीरो रख के एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन हमें यह पता है कि एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं आने वाली, एक्स क्यूब की, एक्स की पावर फोर की कोई भी टर्म नहीं आने वाली है ना। तो इस फॉर्मूले का, इस स्टेटमेंट का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे पास कि ये रिमाइंडर जो हमें एज्यूम करना पड़ता है उसको ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है हमारी एजम्पशंस को, ठीक है, कि सिर्फ ये दो अननोन्स हैं ए और बी। अब आगे इसको हम डायरेक्टली कैसे निकाल पाएंगे उसके लिए हमें रिमाइंडर थ्योरम सीखना पड़ेगा, उसको हम सीखेंगे, लेकिन अभी पहले आपको ये समझना है कि इस स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बेसिस पे हमने कहा कि ये डिविडेंड को डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर आपका लिमिट हो गया, रिमाइंडर आपका। अब रिमाइंडर में हम ये सब नहीं सोच रहे कि x की पावर 71 तो नहीं आ जाएगा, हमें पता चल गया कि भाई x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो मैक्सिमम यहां पे क्या आ सकता है, फर्स्ट डिग्री की टर्म हो सकती है मैक्सिमम, उसमें से भी अगर ये जीरो हो जाएगा तो आपका कॉन्स्टेंट रिमाइंडर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कि कभी आपसे कहा जाए कि एक्स की पावर 71 माइनस एक्स की पावर 5 को डिवाइड हम कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, एक्स प्लस 1 से, ठीक है, तो कुछ कोशेंट आएगा और रिमाइंडर कैसा बचेगा, रिमाइंडर में आपकी जो डिग्री होगी वो डिवाइजर से कम होगी। अब डिवाइजर से कम होने का मतलब क्या हुआ, डिवाइजर खुद फर्स्ट डिग्री का है तो डिवाइजर से कम मतलब जीरोथ डिग्री का, माइनस वन में तो नहीं जाओगे ना, तो जीरोथ डिग्री का आपको रिमाइंडर मिलेगा। तो जीरोथ डिग्री का रिमाइंडर कहने का मतलब क्या हुआ कि हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ कोई कांस्टेंट ही एज अ रिमाइंडर आएगा, ओके। इसी तरीके से अगर हमसे कहा जाए कि एक्स की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 1, 8 डिग्री का पॉलिनोमियल, इधर तो हमें ध्यान ही नहीं देना, इधर हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी लिखते रहो, कोई हमें ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। इधर हमें ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए हमने क्यूबिक से डिवाइड कर दिया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स से मान लीजिए मैंने डिवाइड कर दिया इसको, तो मेरे पास कुछ कोशेंट बचेगा और साथ में आएगा कुछ रिमाइंडर, और उस रिमाइंडर के बारे में मैं बोल सकता हूं कि वो रिमाइंडर की डिग्री कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 2 हो सकती है। डिवाइजर की डिग्री 3 थी, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइजर की डिग्री 3 थी तो रिमाइंडर की डिग्री मैक्सिमम 2 हो सकती है। तो हमें अगर एज्यूम करना है रिमाइंडर तो हम कैसा एज्यूम करेंगे, सेकेंड डिग्री का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हो सकता है ए अगर 0 हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हमारा आ जाएगा रिमाइंडर के तौर पे, ए बी दोनों 0 हो गए तो सी हमारा कॉन्स्टेंट आ जाएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर कॉन्स्टेंट हो सकता है ना, हो सकता है सब कुछ कट जाए सिर्फ रिमाइंडर रिमाइंडर कॉन्स्टेंट टाइप का कुछ बच जाए, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है तीनों 0 हो जाए मतलब पूरा का पूरा ही कट जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि जो रिमाइंडर अगर आना है तो रिमाइंडर की मैक्सिमम डिग्री यही हो सकती है, मैक्सिमम रिमाइंडर कुछ इसी तरीके का बन सकता है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करने के पहले ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आती है आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए कि आप जो रिमाइंडर है उसको आप एज्यूम कर सकें
ठीक है, लिमिटेड टर्म्स में, लिमिटेड टर्म्स में एज्यूम करने से बेनिफिट ये है कि आपको अननोन्स कम मिल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ दो अननोन्स हैं ए और बी, यहाँ पे सिर्फ एक अननोन है, यहाँ पे आपके तीन अननोन्स हैं, ठीक है। तो उन नंबर ऑफ अननोन्स को एक तरीके से लिमिट करने का ये काम कर देता है और फिर हमारे लिए इक्वेशन सॉल्विंग वगैरह ईजी हो जाती है। तो ये इस स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस है। अब जब एक बार आप रिमाइंडर थ्योरम सीख लेंगे तो इन दोनों को क्लब करके आप कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, रिमाइंडर थ्योरम की स्टडी के साथ। थैंक यू ऑल।